बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल मंसूर स्पीक्स। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मंसूर। इस वक्त मैं आया हूँ सिटी अबू धाबी के अंदर और नाश्ता लेने, क्योंकि डाइन इन तो अलाउड नहीं है सो फार इधर नेमत कदा जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर। तो मैंने नाश्ता ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह नाश्ता आ जाएगा तो लेके फिर घर जाऊँगा और मज़े से नाश्ता करेंगे। तो ये जस्ट आपके साथ शेयर करना था कि नेमत कदर रेस्टोरेंट है किधर। तो ये लोकेटेड है इधर अबू धाबी के अंदर मदीनात जायद का जो शॉपिंग सेंटर है उसके साइड पे, और उनकी कहानी बहुत ही खूबसूरत, लजीज और बहुत अच्छे होते हैं। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है उनका, ठीक है। और मैं तो इनका जो पसंद करता हूँ लाहौरी स्पाइसी चन्ना और उसके साथ लाहौरी पराठा, ये मेरा फेवरेट है। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपका नाश्ते में फेवरेट क्या है। तो लेट्स वेट फॉर नाश्ता टू कम। जैसा कि आप हम सबको पता है कि नाश्ता जो है ब्रेकफास्ट ये मस्ट कर लेनी चाहिए, इसमें सेहत का राज है। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो नाश्ता को कोई प्रेफरेंस नहीं देते, वो नहीं करते, बस पानी पी लिया और काम पे चले गए। फिर पूरा दिन काम काम काम, लंच मिला या नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, तो इस तरह से। लेकिन मेरा ये एडवाइस है आप सबको कि हमें, हम सबको नाश्ता कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें सेहत का राज है और हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो एक वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो ये वही किस्सा है कि जब तक हम तंदुरुस्त रहेंगे तो सब कुछ होगा। तो तंदुरुस्त रहने के लिए प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ताहिर भाई है, सलाम करें। सलाम अलैकुम जी ताहिर भाई। तो नाश्ते में आप क्या लेके आए हैं? अभी मैं एक निहारी और दो पराठे लेके दो पराठे हैं, ठीक है। ये सर, चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो मैंने ये बता दिया वीडियो में कि नेमत कदा जो रेस्टोरेंट है इसकी कहानी बड़ी लजीज है, मैं हमेशा आता रहता हूँ फैमिली के साथ भी। तो आप अगर इधर मदीना जायद में आते हैं, टूर करते हैं अबू धाबी के अंदर, तो ये बिल्कुल मदीना जायद शॉपिंग मॉल के पास ही है नेमत कदा रेस्टोरेंट। आप आके इधर अच्छे खाने खा सकते हैं जी। तो कितना हुआ इसका? इसका 20 दिरहम हुआ। 20 दिरहम हुआ, चलो एक मिनट। तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, मैंने नाश्ता उठा लिया है। इंशाल्लाह जब घर पहुंचूंगा तो फिर खाएंगे इसको और लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाल्लाह। इस वक्त खलीफा ब्रिज का व्यू, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ खलीफा ब्रिज के ऊपर। ये भी बहुत बड़ा ब्रिज है, लंबा। इसका व्यू भी, वीडियो भी किसी दिन इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा।
घर के पास ही हूँ, बस थोड़े फासले पर इंशाल्लाह। ये मैं पहुंच गया घर, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं, ठीक है। और ये था आज का हमारा व्लॉग। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल मंसूर स्पीक्स, शेयर एंड कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, एंड बिल का जो बटन है वो दबाइएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अच्छे से नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।